हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में पानी बकाया और प्रॉपर्टी टैक्स ना जमा करने वालों पर मनपा कर वसूली विभाग ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। वही एक बात और आपको बता दें कि स्कूल की फीस 3 महीने की माफ़ी को लेकर नेता जिस तरह से सामने आए थे, मगर वहीं अब पानी और प्रॉपर्टी टैक्स की 3 महीने की माफ़ी पर ये नेता चुप्पी साधे हुए हैं और जनता काफ़ी परेशान है। मनपा कर्मचारी संजय नगर, सम्राट नगर और मुमरा शहर के और भी कई इलाकों में कार्रवाई कर पंप रूम सील किया, पानी कनेक्शन काटे गए, प्रॉपर्टी टैक्स ना जमा होने पर रूम और दुकान भी सील किया गया है। आपको बता दें कि मनपा आयुक्त ने टारगेट के अनुसार संपत्ति कर पानी बिल वसूली ना कर पाने वाले अधिकारियों को अब कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आयुक्त विपिन शर्मा ने लक्ष्य को पूरा करने और नए संपत्तियों की खोज करने का आदेश अधिकारियों को दिया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान मार्च महीने से लेकर सितंबर तक मनपा की आय में कुछ अधिक बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। मगर अब मनपा आयुक्त के आदेश के बाद मुमरा प्रभाग समिति में मनपा कर्मचारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। 321 नल कनेक्शन काटे गए हैं और 41 पंप रूम सील किए गए हैं, 168 पानी के मोटर जब्त किए गए हैं, 6 घर 6 दुकान सील किए गए हैं। मनपा कार्रवाई तेजी से कर रही है, मगर जनता अभी भी लॉकडाउन के परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाई है। अभी भी लोग बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का खर्च पूरा कर पा रहे हैं, मगर पानी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स भी उन्हें जमा करना है, मगर कई लोग मजबूरी होने की वजह से जमा नहीं कर पा रहे हैं और उन पर मनपा कार्रवाई कर रही है। मनपा की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि लोग खुद अपना प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बकाया बिल भर दें ताकि उनके चाल इमारतों पर कार्रवाई की नौबत ना आए। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।